पर डे आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है भाई आपने फॉर्म डलवा दिया और घर बैठ गए, तो कोई डिग्री नहीं मिलेगी आपको की। तो चलते हैं गाइस घर, कुछ सीन इतना मजा आ रहा है, स्कूटी को लीन करते हुए कुछ अलग ही मजे हैं। बट यहाँ जो प्रैक्टिकल होने वाले हैं वो बहुत ही तेज होने वाले हैं, देख रहे हो, मतलब सब कुछ है यहाँ सीखने। तो हेलो सो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप, आई होप बढ़िया होंगे, आगे बढ़िया रहें। तो गाइस आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही मॉर्निंग से। तो गाइस आज मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, वैसे बहुत दिन से गया नहीं, बट उस वाले कॉलेज में नहीं, एक और कॉलेज है कि आईटीआई करते हैं वहाँ से, तो करते हैं गाइस आईटीआई। तो चलते हैं गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ कॉलेज में, दो चार लोग थे यहाँ, उनसे पूछा फिर जाके पता चला कि हाँ कॉलेज यहाँ पे है, वैसे मुझे पता नहीं था ये कॉलेज यहाँ भी है आइडिया वगैरह का। तो चलते हैं गाइज, पूछते हैं एडमिशन के बारे में, अगर डेट डेट बची होगी तो ठीक है, वरना क्या पता बढ़ भी सकती है डेट वगैरह। तो गाइज ये है कॉलेज, ये है यहाँ से रास्ता, देखो पीछे से जाना पड़ रहा है यार गाइज, वैसे रास्ता मुझे ना मिल नहीं रहा यहाँ का। हो अरे ये तो ऊपर से यार, मतलब जो ऊपर वाली पक्की सड़क है वहाँ से आना चाहिए था हमें, बट मैं नीचे से आ गया। अरे यार ये गलत हो गया, कहाँ से यार रास्ता, ये भगवान जे हो। तो गाइस ये है रास्ता, रास्ता भी क्या ही बोले इसे, देख रहा मतलब जो मेन रास्ता था वो ऊपर से था, हम गलत जगह से आ गए, बट कोई नहीं, ऑफिस में जाना है। मैंने एडमिशन लेने से पहले एक बार मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ। तो यहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए काफ़ी कुछ है, मशीनें वगैरह तो कुछ पता नहीं है फिलहाल, भी मशीनें देख लेते हैं। तो यहाँ तो गाइस आईटीआई करने में कुछ फ़ायदा है या नहीं है ये तो कुछ पता नहीं है, बट यहाँ जो प्रैक्टिकल होने वाले हैं वो बहुत ही तेज़ होने वाले हैं, देख रहे हो, मतलब सब कुछ है यहाँ सीखने के लिए, वैसा बहुत कुछ है यहाँ। तो गाइस यहाँ मतलब सीखने के लिए ठीक है, कर लेता है एडमिशन यहाँ। सब कुछ सामान लगभग लगभग आ चुका है सर, सब कुछ आ रहा है सर सामान यहाँ A to Z। तो गाइस सब सामान आ चुका है, आप भी एडमिशन ले सकते हो। तो गाइस यहाँ सर लोगों से बात करी तो कह रहे हैं कि भी बोला एडमिशन हो सकता है, पहले मुझे सर लोग कॉल करेंगे तो उसके बाद मुझे इनके साथ टिहरी जाना पड़ेगा, तो टिहरी में देखते हैं मैरिट का सीन है तो कैसे कैसे आएंगे नाम, वैसे कुछ पता नहीं है। तो गाइस अब चलते हैं घर, इसमें पूरे हमें 2 साल देने पड़ेंगे, मैंने सोचा 1 साल का होगा या 6 महीने का होगा, 2 साल का कोर्स है, 2 साल पूरे ही देने पड़ेंगे। तो सर लोग ये भी कह रहे थे अगर आप यहाँ एडमिशन लोगे तो आपको रेगुलर यानी डेली पर डे आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है भाई आपने फॉर्म डलवा दिया और घर बैठ गए, तो कोई डिग्री नहीं मिलेगी आपको की। तो चलते हैं गाइस घर, कुछ सीन इतना मज़ा आ रहा है, स्कूटी को लीन करते हुए कुछ अलग ही मज़े हैं। भाई 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 गाइस मैं पहुंच चुका हूं घर पे। तो इलेक्ट्रिशियन है वो, इलेक्ट्रिशियन वो अभी कोर्स करेंगे, उसके बाद देखते हैं, 2 साल का कोर्स है, करना है कंप्लीट। और ये हैं भाभी जी और मौसी जी जो बैठे हैं आराम से।